तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे RVNL यानी कि रेलवे विकास निगम लिमिटेड के बारे में। बेसिकली कंपनी ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है, तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी ने इस क्वार्टर में 36 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से आपको डिविडेंड भी देने का ऐलान किया, तो 36 पैसे का कंपनी डिविडेंड भी देने जा रही है। चलिए नंबर देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी के टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 5012 करोड़ के आसपास, पिछले साल 6437 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो अभी कंपनी का रेवेन्यू गिर के 5719 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 12% के आसपास की गिरावट है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। लेकिन वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आपकी 14% के आसपास की तेजी है। तो ऑलमोस्ट यही कह सकते हैं कि जितना कंपनी ने क्वार्टर क्वार्टर रेवेन्यू बढ़ाया है उतना ही कंपनी ने साल दर साल अपने रेवेन्यू को कम भी कर दिया है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 4890 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 6182 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 5497 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के खर्चे भी उतने ही है, बैलेंस है, मतलब ज़्यादा नहीं ज़्यादा है नहीं कम है, ओवरऑल देखें तो बैलेंस देखने को मिले। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर में 382 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 378 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट गिर के 360 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और निराशा देखने को मिल रही है, क्योंकि क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में। EPS की बात कर ले तो EPS के अंदर भी एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर में 1.83, पिछले साल 1.82, अभी देखें तो 1.72 के आसपास है। तो आज जो अपर सर्किट लगा है उसके पीछे का कोई रीजन ही नहीं है, वो अपर सर्किट लगने मतलब एक तरह से बोले तो एक तरह से ट्रैप बोल सकते हैं उसको, क्योंकि ये जो नंबर कंपनी दिए हैं ये थोड़े से तो कमजोर साइड पर जाते हुए देखने को मिले, जस्ट लाइक IRFC के जैसे नंबर आए थे उसी प्रकार के नंबर RVNL ने भी प्रेजेंट किया। तो बस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।